सो भाई लोगों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि यार अपना फ्री फायर बैन नहीं हुआ है। अब मेरे को बताए कि यार आप में से काफी सारे बंदे सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि यार ये भी आप कोई ना कोई पॉइंट रख के यहाँ पर फ्री फायर अनबैन करवा देगा। तो मैं आप सभी को विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि फ्री फायर अपना बैन नहीं हुआ है इंडियन सर्वर में। और गाइज यार क्या क्या अभी सीन चल रहा है उसके बारे में सब कुछ आप सभी को डिटेल्स के अंदर बताने वाला हूँ इस वीडियो में। भाई लोगों विद प्रूफ बताने वाला हूँ, साथ ही साथ फ्री फायर को पता ऐसे ग्लिचेस चल रहे हैं उसके रिलेटेड भी मैं आप सभी को एक क्लिप दिखाने वाला हूँ। तो भाई लोगों वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच कर लेना। वीडियो चाहे छोटी है बट आप सभी का इस वीडियो में सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी बंदा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो भाई लोगों चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लो। गाइस यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को प्रूफ बता देता हूं कि अपना फ्री फायर अपने इंडियन सर्वर के अंदर बैन नहीं हुआ है। तो स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपना यूट्यूब चैनल आता है फैक्ट टेस्ट करके, कभी ना कभी आप सभी ने इसकी वीडियो जरूर से देखी होगी। तो भाई यार इस भाई ने अपने को यहाँ पर बता दिया कि जो कि अपना फ्री फायर आता है वो बैन नहीं हुआ है, सिर्फ वो सिर्फ ब्लॉक हुआ है। गाइस यार ध्यान से सुन लेना, बैन नहीं हुआ है, कुछ दिनों के लिए ब्लॉक हुआ है सिर्फ वो सिर्फ अपने प्ले स्टोर के अंदर। जिस वजह से आप सभी को पता है कि अपना गेम तो भाई रेगुलर ही चल ही रहा है, जैसे अपने गेम खेलते हैं वैसे अपने भाई लोगों को खेल ही पा रहे हैं। बट क्या हुआ है यहाँ पर, सिर्फ वो सिर्फ ये सीन हुआ है कि फ्री फायर प्ले स्टोर से ब्लॉक हुआ है कुछ दिनों के लिए। और गाइस यार फ्री फायर ना वापस से कुछ ही दिनों के अंदर आप सभी को प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गाइस यार ये कंफर्म हो चुका है, आप सभी को पता है कि यार आप भी अगर अभी अपना गेम ओपन करते हो तो गेम सिंपल से ओपन हो जाता है। बैन तो भाई लोगों हुआ ही नहीं है, गेम सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से हटाया गया है, बैन नहीं हुआ है। उसके अलावा भाई लोगों आप सभी यहां पर देख ही सकते हो कि यहां पर स्क्रीन में देख सकते हो जो कि अपना टॉप अप इवेंट है वो भाई लोगों 3 मार्च तक चलने वाले, लिटरली भाई लोगों 3 मार्च तक। इतना लंबा टॉप अप इवेंट आज तक कभी आया नहीं है फ्री फायर के अंदर। और फ्री फायर को भी पता है कि इंडियन सर्वर के अंदर क्या कुछ ग्लिचेस चल रहे हैं, जिस वजह से भाई लोगों यहां पर उसने काफी दिनों तक भाई देख रहे हो लगभग 17-1 दिन तक यहां पर अपना टॉप इवेंट चलने वाला है। तो भाई लोगों फ्री फायर को भी पता है कुछ ऐसे ग्लिचेस चल रहे हैं और उसी के साथ साथ कुछ भी नहीं हुआ है बैन। तो भाई लोगों मैं आप सभी को कंफर्म करके बता दूं कि बैन तो हुआ ही नहीं है। तो टेंशन लेने किसी बंदे को बात ही नहीं है यार। अगर भाई लोगों आपका फ्री फायर आपने अनइंस्टॉल कर दिया या फिर आपके फोन में नहीं और आप डाउनलोड करना चाहते हो और प्ले स्टोर में आ नहीं रहा है तो स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आप सभी देख सकते हो फ्री फायर ऑफिशियल इंडिया के में आप सभी जा सकते हो इंस्टाग्राम के अंदर, वहां पर आप सभी को एक VPN की लिंक मिल जाएगी, उससे आप फ्री फायर डाउनलोड कर सकते हो। सो भाई लोगों फ्री फायर आप सभी को अपने प्ले स्टोर के अंदर इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कुछ भाई लोगों इंडियन सर्वर की गाइडलाइंस है जो फ्री फायर ने फॉलो नहीं करी है, उसके बारे में ऑफिशियली फ्री फायर भी कन्फर्म कर चुका है। तो गाइस यार इस वजह से ना फ्री फायर हमको कुछ दिनों तक नहीं देखने को मिला क्योंकि उसने कुछ गाइडलाइंस वगैरह फॉलो नहीं करी थी फ्री फायर ने। और गाइस यार टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बैन वाला कोई भी सीन नहीं है, बस आप सभी को कुछ ही दिनों के अंदर वापस से प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा और आप सभी का तो गेम चल ही रहा होगा ना, तो यार बैन होने का कोई डर ही नहीं है। तो मिलते हैं भाई लोगों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूं यार सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले बटन को खास कर प्रेस करके ऑल में जरूर सेट कर देना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।